बिल्ली मौसी एक दिन उगास बैग के पास बैठी थी। तभी दूसरी बिल्ली ने पूछा, क्या तुम उदास क्यों बैठी हो? चलो खाने की तलाश में तुम जाओ, मेरा मन बहुत उदास है। ठीक है, थोड़ी देर में आ जाना, नहीं तो भूखा मरना पड़ेगा। इतना कहकर बिल्ली चली गई। कुछ देर बाद शेर वह से गुजर। तभी उसने बिल्ली के उदास देखा और पूछा, आप क्या उदास क्यों बैठी हो बिल्ली मौसी, क्या बात है? कुछ नहीं, बस यही थोड़ी चिंता हो रही है। चिंता किस बात की मौसी? बस धीरे धीरे बूढ़ी हो गई हूँ, खाने की तलाश में बहुत भागना पड़ता है और दूसरा जाना से मैं बहुत हार जाती हूँ। उधर से आने का मन नहीं करता है। मैं क्या करूँ, शिकार नहीं करूँगा तो खाऊंगा कहाँ से? सबसे पहले तो यह बात है, चिंता है आगे मेरा पेट कैसे भरेगा। इतनी सी बात, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम मेरे साथ शिकार कर सकती हैं और मेरे साथ रह सकती हो, आखिर मौसी हो हमारी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम तो जंगल के राजा हो, तुमको मेरी इतना चिंतित है। फिर दोनों एक साथ शिकार पर निकले। चलके चलके बहुत दूर तक शिकार के लिए चल जाते हैं। जब शिकार कर लेते हैं तो वापस आके समय बिल्ली ने शेर से कहता है कि मुझसे चला नहीं जाता है, मैं क्या करूं? शेर बहुत दूर आने के कारण मुझसे नहीं चला जाता है, मैं आवा क्या करूं? तुम मेरे पीठ पर बैठो और चलो, दोनों अपने गुफा के पास जाता है। दोनों अपने गुफा के पास चला जाता है। यह कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि मिलजुल कर रहने से